Sri Vishnu Deo Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh. Sri Arun Shaw, Honorable Deputy Chief Minister, Chhattisgarh. Dr. Raman Singh, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly. Honorable यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी को का आत्मीय स्वागत करता हूँ। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अभिभूत है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम एवं राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में शामिल होते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप सभी को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज 37 प्रकार के सम्मान जो दिए जा रहे हैं, उनके विजेताओं को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि इन पुरस्कारों से दूसरे लोगों को हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वे भी छत्तीसगढ़ के देश में विशिष्ट पहचान बनाने में सहभागी होंगे। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्य स्मरण करता चाहता हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। हम सभी ने 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और विकास की यात्रा का उत्सव मनाया। यह राज्योत्सव हमें हमारे महान प्रदेश के उपलब्धियों और उन सपनों का याद दिलाता है जिन्हें हम सब मिलकर साकार कर रहा हूँ। ऐसे आयोजन हमारे संस्कृति से जुड़ने का माध्यम भी है तथा यह हमारी परंपराओं के पुनर्जीवित भी रखते हैं। मैं यहाँ आमंत्रित सभी कलाकारों का स्वागत करता हूँ। मैं असम प्रदेश से आता हूँ, यह हरा भरा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ भी असम जैसा ही है, खूबसूरत है। ये खूबसूरती देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ का 44% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, ये एक उल्लेखनीय बात है। दोनों ही राज्य प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने हुए छत्तीसगढ़ को विकास पथ पर सतत आगे बढ़ने वाला मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को प्रशंसा करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि समग्र विकास है, जिससे हर नागरिक का उत्थान हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 की संकल्पता को हमें सबके साकार करना है। इससे हर नागरिक, हर युवा पूरे उत्साह से योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गए। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए मातारी बंधन योजना जैसे अभिनव योजनाएं संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू के एक पेड़ माँ के नाम पे अभियान में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि रहित जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आज राज्योत्सव के समापन अवसर पर मैं आप सभी को सभी से अपील करता हूं कि हम इस उत्साह, जोश और संकल्प के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखें। हम सब मिलकर अपने प्रदेश के विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अंत में मैं पुनः उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हम सबका मनोबल बढ़ाया है। आप सभी को पुनः इस राज्योत्सव की सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
प्रदीप धनखड़ जी को, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को।